अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज 24x7। आज हम पटना के गांधी घाट पे आए हुए हैं और नमामि गंगे जो परियोजना है भारत सरकार का, उसके बारे में हम आपको अवगत कराने वाले हैं कि नमामि गंगे का जमीनी हकीकत क्या है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि नमामि गंगे जिस तरीके से भारत सरकार कही थी कि सभी नदियों को जोड़ेंगे और एक नया जो कि कृषि व्यवस्था किया जाएगा जिस पानी से कृषि जो कि समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं उसको सुचारू रूप से किया जाएगा। मैं पीछे आपको दिखाना चाहता हूँ पटने का जिस तरीके से गंदे नाले हैं ये पटना में ही समावित होती है और पटना जो गांधी घाट है ये देखिए किस तरीके से, अगर जलस्तर की बात करी जाए तो जलस्तर लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और 3 दिन के बारिश होने के बाद जो है पटना का जलस्तर जो गंगा नदी का है वो बढ़ चुका है और जो गंगा किनारे लोग रहने वाले हैं वो भयभीत हैं। ताकि हम इस आपको इसलिए बता रहे हैं, पिछले वर्ष अगर बात कर ली जाए तो पटना नदी में जिस तरीके से जो जल स्तर था वो बढ़ गया था और पटना के लोगों के जिस तरीके से भयभीत है। अगर पटना की बात करते हैं तो पटना का ये गांधी घाट है, जिस तरीके से आस्था की बात करी जाए तो सबसे बड़ा बिहार में पर्व जो होता है छठ को लेके होता है और छठ में जिस तरीके से साफ़ सफाई किया जाता है उसके बाद जो है कि जो प्रशासन है वो साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देती है। सवाल यहाँ ये उठता है प्रशासन पे कि अगर जिस तरीके से जो सरकार है जो अपने आप को कहती है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत हम हर एक काम कर रहे हैं, लोगों को गंगा को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं, अगर गंगा की बात नहीं करी जाए, यमुना की अगर बात करी जाए, यमुना भी हिंदुओं का एक प्रतीक माना जाता है नदी का, उसका भी स्तर देख लिया जाए तो हाँ पानी तो गंगा का अभी भी ठीक है मगर यमुना का आप जाए तो काला पानी मिलेगा। यानी साफ रूप से ये है कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं गंगा को साफ रखने की ज़रूरत है, भविष्य में ज़रूरत है, ताकि जो 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 निवास करते हैं गंगा के किनारे या फिर जो भी नदियाँ किनारे निवास करते हैं उनको स्वच्छ रहना ज़रूरी है। तब तक के लिए देखते रहिए एलआर न्यूज़ 24x7। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, पटना।